नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अरविंद चोपड़ा जैन की आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर अरविंद चोपड़ा जैन की जो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा है, इसकी ख्याति ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि भारत के कई अन्य राज्यों में भी इसकी ख्याति फैल चुकी है। और कई राज्यों से, मध्य प्रदेश के जो लगे हुए राज्य हैं, इसके अलावा भी अन्य देशों से भी लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट लेने के लिए आ रहे हैं। ऐसे ही एक पेशेंट आज हमारे साथ हैं जी। नमस्कार मैम, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैम आपका शुभ नाम? कृतिका पांडे। कृतिका पांडे कहाँ से आई हैं? गुना से। गुना से क्या समस्या हो गई है मैम? एक्ने एंड हेयर फॉल। कब से है ये आपको? टू टू थ्री ईयर्स से आपको एक्ने और हेयर फॉल दोनों है। तो इसके लिए आपने कहीं और भी ट्रीटमेंट लिया है? कहीं भी नहीं लिया। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन के पास पहली बार आई है? हाँ जी। डॉक्टर साहब के बारे में कैसे पता लगा? मेरे कजिन के थ्रू। कजिन के थ्रू जी। उन्होंने इलाज वगैरह करवाया था या? हाँ, उन्हें ट्रीटमेंट करवाया था। ओके, अभी वो ठीक है? हाँ, बेटर है पहले से। ओके, और डॉक्टर साहब से मिल लिया? हाँ। कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब से मिलकर? कुछ अच्छा लग रहा है थोड़ा। अब बाकी ट्रीटमेंट के बाद मुझे पता चलेगा कि क्या चेंजेस होते हैं। जी जी बिल्कुल, अभी बात करके आप कॉन्फिडेंस आया? यस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हाँ, दवाइयों से तो पता चलेगा ही, क्योंकि मेन तो दवाइयाँ ही होती है। बाकी हाँ, 50% दवाइयाँ 50% डॉक्टर से भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि डॉक्टर का बिहेवियर कैसा है, वो हमारी बातें या प्रॉब्लम समझ रहा है नहीं समझ रहा है उस तरीके से। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पर इतना विश्वास दिखाने के लिए और उसे अपनाने के लिए। साथ ही हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपके जो 2 से 3 साल से ये एक्ने और हेयर फॉल की प्रॉब्लम चल रही है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने में पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और जितना आप चाहती हैं उतना आपको रिजल्ट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जंजीरवाला चौराहा, न्यू पलासिया, इंदौर।